दोस्तों आज हम लमसक के लिए बनाएंगे जो कुक करके बनाई जाती है। सबसे पहले हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, वो भी 4 स्पून। ये हमारी बड़ी स्पून है, दिखने में आपको शायद छोटा लग रहा हो पर बड़ी स्पून है। और इसमें हम यूज़ करेंगे ग्लू यानी कि फेविकॉल। फेविकॉल लेंगे हम 2 बड़े स्पून। और उसके बाद 1 स्पून लेंगे हम ये विनेगर और 1 स्पून लेंगे हम ऑयल। देखिए फेविकॉल तो ऐसा है जैसे हम आटा लगाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा पानी डालते हैं, इसी तरीके से इसमें इसका फेविकॉल का यूज़ किया जाता है। विनेगर और ऑयल डालते हैं तो उससे भी गीलापन आता है, तो हम अभी फेविकॉल 2 स्पून रोक के चले हैं। पहले ये सब चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ही हम देखेंगे इसमें कितना कम है फेविकॉल। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें हमें 1 स्पून भी डाल सकते हैं और 2 स्पून, क्योंकि कभी कभी फेविकॉल जो है अलग कोई क्वालिटी का मिलता है, या कभी गाढ़ा होता है कभी थोड़ा पतला होता है, उस हिसाब से हमको डालना पड़ता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से पूरा प्रोसेस वही अपनाना है। और आप देखते जाइए हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं। पहले सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कितनी ज़रूरत है ग्लू की, उतना ही हम ग्लू इसमें डालेंगे। पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, चाहे कढ़ैया में हम मिक्स करें या हाथ से मिक्स करें। और ये मिक्स करने के बाद ही हमको ये कुक करने के लिए अच्छी तरह से रखना है। पहले हमको पूरा बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करते करते ही ये थोड़ा ढीला हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। अब हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम इसमें फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं। देखिए 2 चम्मच भर के हमने फेविकॉल दोबारा में ले लिया है, क्योंकि इतना नहीं डालेंगे तो ये बराबर बैठेगा नहीं। पहले हमें इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद ही हमको गैस पर, धीमी गैस पर, स्लो स्लो चलाते हुए इसको पकाना है। परंतु चलाना ज़रूर है, बीच में रुकना नहीं है। और इसमें नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज होती है। ये देखिए आप देख रहे हैं कैसे हम इसको चलाकर पूरा मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से चलाने के बाद देखिए कैसा हो गया है। किचन टॉप पर पहले से ही तेल लगा कर रखें और हाथ से बिल्कुल एक सार कर लें, और जो ये बन के चुकेगा तो हम सीधा अपनी किचन टॉप पर ही निकाल देंगे। इसको फिर मालिश करना, ये देखिए हम चलाते जाएंगे, इसको बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू चलाना है जब तक बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। चारों तरफ से मिलाते हुए अच्छी तरह से चलाएं, और चलाने के बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, निकालने लायक, बिल्कुल जैसे आटा रहता है उसी तरीके से बन चुका है। निकाल लिया है हमने किचन टॉप पर। अब इसकी अच्छी से मालिश करेंगे, दोनों हाथ मिलाकर करें या सिंगल हाथ से, पर मालिश अच्छा करना चाहिए। हाथ पे दोनों तरफ ऑयल ले लें जिससे कि हाथ जले नहीं, और आराम से मालिश करते हुए इसको पूरा अच्छे से डो बना लें। अब इसको हम प्लास्टिक की पन्नी में या प्लास्टिक के जो लॉक वाला कवर रहता है उसमें पैक करेंगे। ये बहुत अच्छा क्ले बनकर रेडी है, इसको लामसा क्ले कहते हैं, बहुत से जने इसको कोल्ड क्ले भी कहते हैं, और ये पॉर्सलिन क्ले भी कहलाता है। इस क्ले से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये क्ले बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से यूज हुआ है और फेविकॉल के साथ इसको मारा है। मालिश जब तक करें जब तक कि अच्छी तरह से डो बनकर रेडी नहीं हो जाए। हम इसको खींचेंगे तो इसके ड्रॉप के रूप में दोनों तरफ से डिजाइन बन के आएगी। इसको बहुत अच्छा क्ले कह सकते हैं क्योंकि सबसे अच्छा इसी का रिजल्ट रहता है, बस थोड़ा श्रिंक होता है वरना नंबर 1 क्ले है। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।